तो शाम की बात थी और मैं लाइब्रेरी से अपने घर जा रहा था, लेकिन थक चुका था बैठे बैठे। फिर मैंने सोचा पार्क में थोड़ा सा टहल लिया जाए, थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए, तो इसी वजह से वॉक करने लग गया। एंड उसके बाद मुझे भूख तो काफ़ी तेज लगी हुई थी, तो मैंने कुछ यहाँ से फिंगर खाए, फिंगर चिप्स जो होते हैं, और उसके बाद फिर जलेबी। तो जलेबी आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रही हमारे बचपन में, तो इसीलिए फिर मैंने जलेबी ली। एंड जलेबी लेके मैं इसे खाने लग गया। खाते खाते देख रहा था कि एक कुत्ता मेरे नीचे आ चुका है और ये देख रहा था मेरी तरफ, यानी कि मुझसे मांग रहा है। और आपसे भी अगर ऐसे कोई मांगे तो उसको जरूर खिलाना। उसको मैंने अपने साथ खिलाई एंड मैंने भी खाई, दोनों ने खाई, लेकिन उसको भूख काफ़ी तेज थी तो इस वजह से दोबारा से फिर उसके लिए ली एंड उसके लिए दोबारा से फिर रख दी और ये खाने लग गया। एंड इसका आज मज़ा आ गया, यानी कि आज इसको गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी खाने को मिली, लेकिन हाँ थोड़ी सी गर्म थी और इसके लिए सॉरी। उसके बाद फिर मैं आया और गोलगप्पे खाने के लिए, रास्ते में सब कुछ खाया मैंने। एंड आने के बाद फिर घर पे आया और सबसे पहले मैंने गीता का पाठ यानी कि गीता पढ़ना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले गीता पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने अपने नोट्स की रिवीजन करना स्टार्ट कर दी। और ये नोट्स मेरे PSIR के नोट्स हैं, क्योंकि इसको मैंने लाइब्रेरी में नहीं कर पाया, इस वजह से सोचा कि घर जाने के बाद मैं तुरंत इसकी रिवीजन कर लूँगा, क्योंकि इसकी क्लासेज मेरी मोस्टली कंप्लीट हो ही चुकी हैं। PSIR का बैच मेरा एंड होने वाला है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अब दोबारा से रिवीजन करूँ इसकी, क्योंकि रिवीजन मैं पहले से कर रहा था लेकिन तब भी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन मैंने 1.5 घंटे के करीब इसकी रिवीजन की। और नोट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नोट्स हैं इसके, इसलिए फिर मैं सो गया। एंड 11 बज रहे थे तो 11 बजे फिर मैं सो गया था, क्योंकि मुझे सुबह 3 बजे उठना है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो सुबह में उठा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आप लोग देख सकते हैं टाइम 3 बज चुके हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा है और मैं टाइम से उठ गया हूँ आज। यानी कि पहले तरह मैंने अपने अंदर जो प्रोकास्टिनेशन जो होती है वो मैंने नहीं की, यानी प्रोकास्टिनेशन से थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो फिर मैंने देखा बाहर कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, एंड अंधेरा है तो सबसे पहले मुँह धुल लेते हैं क्योंकि नींद भगानी है, और नींद काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही थी, लेकिन कोई नहीं, नींद भगाने के लिए सबसे पहले आया अपनी टोंटी के पास। एंड उसके बाद वहाँ से मैंने पानी लिया और मुँह पर मारा, एंड उसके बाद ब्रश किया, ब्रश करने के बाद मैं फ्रेश हो गया बिल्कुल। एंड उसके बाद ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मेरा नज़ारा। एंड अब मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा। अजी अभी मैं GS2 में मेरी पॉलिटी है तो उसको पॉलिटी को कवर कर रहा हूँ, और मेरे पास जो 45 नोट्स के नोट्स हैं, यानी 45 मेरी क्लास थी तो उसके मेरे क्लास नोट्स पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली मैं 10 क्लासेज के नोट्स करूँगा, अभी मैं 10 क्लासेज के नोट्स करूँगा एंड 4 दिन के अंदर मेरी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी मेरी 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, देन मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वैसे तो मैं 1 दिन में भी कर सकता हूँ, 1 दिन नहीं, मतलब मैं बोलता हूँ कि हाँ 1 दिन में कर लूँगा, लेकिन तब भी मैं सोचता हूँ कि नहीं, इसको जो है मतलब आराम से करना है बस, क्योंकि एकदम में पूरा भार नहीं लेना है और भी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले पॉलिटी क्लास करते हैं, उसके बाद फिर ज्योग्राफी करेंगे। तो चलिए, फिर आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लेना। तो पॉलिटी के जो नोट्स थे मेरे कंप्लीट हो रहे थे, यानी कि 10 क्लासेज के नोट्स करने लेक्चर्स के। तो नोट्स करने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी क्लास की, यानी ज्योग्राफी क्लास मैंने लेनी, और मतलब क्या है कि ज्योग्राफी के नोट्स मैं साथ साथ बना रहा हूँ। तो चलिए फिर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया ना अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि यार वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो रीच नहीं मिल पा रही है अभी यार चैनल पर, पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर करना। एंड आप लोग मेरे रील्स दिखा करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो रंजीत आर्य, तो आप सभी को मैंने बताया है, ठीक है। तो आप लोग पूछते रहते हैं कि मैं नोट्स कहाँ से कवर करता हूँ, मेरे नोट्स कहाँ से आते हैं, एंड मैं क्लासेज कहाँ से लेता हूँ, कहाँ से कोचिंग ले रखी है, ऑफलाइन ठीक है या ऑनलाइन ठीक है, वो तो आपकी चॉइस होती है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से करता हूँ। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो PW Only IAS लेकर आया है आप सभी के लिए, एक डिफरेंट बैचेज एंड साथ में बेस्ट क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस में, जैसे फाउंडेशन बैचेज भी उनके लिए जो कि 2025 के लिए एंड साथ में 2024 के लिए चल रहे हैं, जो कि संकल्प बैच है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, टाइटन बैच है इंग्लिश मीडियम में, एंड ऑप्शनल बैचेज अवेलेबल है जो कि आप लोग 8999 में अवेल कर सकते हैं। कॉम्बो बैचेज फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल है, जो कि संकल्प प्लस ऑप्शनल जो कि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, और टाइटन प्लस ऑप्शनल इंग्लिश मीडियम, एंड साथ में IDMP 3.0 यानी कि MCQ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और फ्री मेंटोरशिप आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी ऑफलाइन में, तो आप लोग देख सकते हैं जो कि एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर ऑफलाइन बैच की बात करें तो दिल्ली के मुखर्जी नगर और करोल बाग में अवेलेबल है, और लखनऊ और पटना में अवेलेबल है। तो आप लोग कोई भी बैच अगर परचेज करना चाहते हैं PW तो मेरा कूपन कोड यूज करें RAN500 और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
स्पोर्ट्स कंप्लीट हुए, मैं बाहर जाके देखा तो काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि दिन हो चुका था, एंड दिन हो चुका था लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम था। और नीचे देखा कि मैं लेट हो गया हूँ और हवन जो है स्टार्ट हो चुका है, सब लोग बैठ चुके हैं, और इस वजह से फिर मैंने देखा कि यार पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या हो गया, ध्यान नहीं रहता है ना, लग जाते हैं उसमें, इस वजह से फिर मैं आया और फिर मैंने हवन किया। तो आप लोग पूछते हैं कि मैं हवन क्यों करता हूँ सुबह सुबह डेली, तो मैं आपको बता दूँ, हम आर्य समाज फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी आर्य समाज आप लोग जानते हैं, इसकी हिस्ट्री आप लोग पढ़ सकते हैं, तो हमारे विचार ना सबसे ज़्यादा आर्य समाज से रिलेटेड होते हैं इसीलिए। उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना खाना खाया जो कि सुबह सुबह मेरा एकदम ब्रेकफास्ट, क्योंकि आलू के पराठे और दही के साथ, और दही के साथ पराठे एंजॉय करने के बाद फिर मैं मुझे वीडियो शूट करनी थी, वीडियो शूट करने के लिए फिर मैंने माइक वगैरह पूरा सेटअप लगाया, एंड ये है मेरा कैमरा कैनन 200D। आप लोग पूछते हो कौन से कैमरे से शूट करते हो वीडियो, तो ये है मेरे पास कैमरा जिससे मैं शूट करता हूँ, और ये वीडियो बनाने के लिए अभी स्टार्ट हो चुका है, और मैं जाके पीछे बैठ जाता हूँ एंड उसके बाद फिर वीडियो शूट हो जाती है। अभी रील्स वगैरह जो हम लोग बना रहे हैं इसी से बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ने नहीं देखी है तो, क्योंकि हम बहुत ही नॉलेजबल रील्स लेके आ रहे हैं, आप लोग ने देखी है नहीं दी है तो आप लोग जरूर देखना, उनको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं। तो चलिए फिर रील्स बनाते हैं, एंड रील्स बनाने के बाद फिर मैंने अपना बैग लिया एंड मैं बैग पैक करने लग गया क्योंकि अब निकलना है मुझे लाइब्रेरी के लिए। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी आने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी क्लास की जो कि PSIR यानी ऑप्शनल की मेरी क्लास, ऑप्शनल क्लास कंप्लीट करूंगा एंड इसके नोट्स भी बनाऊंगा साथ में। मेरे सेल्फ नोट्स वैसे हैं, कुछ कुछ हैं कुछ नहीं है ऐसे है, लेकिन हाँ क्लास नोट्स की जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हैं, तो उन्हीं को मैं फॉलो कर रहा हूँ ज़्यादातर तो क्लास नोट्स। और मैं सोच रहा हूँ अगर मेरा अटैम्प्ट लेट होता है तो फिर मैं खुद की भी नोट्स बना लूँगा और बहुत जल्दी बना लूँगा। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एंड आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर अब भी जरूर कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट वीडियो है एंड आगे भी काफ़ी बेस्ट वीडियोज आने वाली हैं जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आप लोग जरूर इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि अब मैं क्या कंप्लीट करूं, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा आंसर राइटिंग कर लेते हैं, तो मैं लग गया आंसर राइटिंग करने के लिए कि आंसर राइटिंग कर लेते हैं और साथ में क्लास भी लूँगा, तो चलिए फिर आंसर राइटिंग करते हैं एंड उसके बाद फिर, क्योंकि अभी ना किसी की थोड़ी देख के मुझे अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, तो इस वजह से चलिए फिर कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने नोट्स की रिवीजन की जो कि मेरे नोट्स अभी मेरे पास जो इंडियन इकोनॉमी के नोट्स हैं और उसकी क्लास भी चल रही है, तो इंडियन इकोनॉमी जो है ना उसके नोट्स भी मुझे डेली रिवाइज करने पड़ते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ है ना उसको दो तीन सब्जेक्ट में लेके चल रहा हूँ, यानी मेरा पहले तो ऑप्शनल चल रहा है, उसके बाद ज्योग्राफी की मैं क्लास कर ले रहा हूँ और साथ में पॉलिटी की मैं रिवीजन कर रहा हूँ और इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहा हूँ अच्छे से, मतलब कि इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं दो तीन सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहा हूँ ऑप्शनल के, क्योंकि जल्दी से जल्दी फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं, मोस्टली मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ माइनर सब्जेक्ट बचे हुए हैं तो उसको मैं अभी नहीं कवर कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों मतलब हो नहीं पा रहा है, बस मैं प्रीलिम्स के लिए मतलब मैं कर रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है, कवर होता है अगर प्रीलिम्स निकल जाता तो और अच्छा रहेगा, तो इसी वजह से फिर मैं फोकस कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करूँ। मेरी स्ट्रेटजी कुछ इसी प्रकार की है एंड मैं सोच रहा हूँ कि सुबह डेली उठूँगा 3 बजे एंड उठने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगा, एंड लाइब्रेरी में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की एंड अंधेरा हो चुका था लाइब्रेरी में ही, तो फिर मैंने अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया था कि अब निकलना है यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि घर तो जाना ही होगा, 24 घंटे करीब हो चुके हैं, आज का ब्लॉग 24 घंटे का था पूरा, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग 24 आवर का है, कि पूरे 24 आवर में कितना पढ़ता हूँ क्या करता हूँ। तो चलिए आप लोगों ने देख लिया कि काफ़ी प्रोडक्टिव ब्लॉग था, एंड आपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।